गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम सु। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दरअसल कोरोना का खतरा तो बढ़ता जा रहा है और लोगों की गैर संजीदगी भी बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट ने SOPs तो बना दिए हैं लेकिन अमल दरामद करवाने वाला कोई भी नहीं है और ना गवर्नमेंट भी बड़ी जिम्मा दिखाई दे रही है, जिसके बायस आने वाला वक्त मजीद कठिन हो सकता है। तो अभी भी संभल जाइए, एहतियाती तदाबीर अपना लीजिए, ऐसा ना हो कि पानी सिर से गुजर जाए और हाथ में कुछ भी ना रहे। दूसरी जानिब दुनिया भर में आज बाईसाइकिल डे मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद बाईसाइकिल की अहमियत और फवायद को उजागर करना है और इस माहौल दोस्त सवारी को प्रमोट करना है। माजी की बात की जाए तो बाईसाइकिल का इस्तेमाल खूब था, लेकिन जैसे जैसे जमाने ने तरक्की की है तो ये सवारी भी अब माजी का किस्सा बनती जा रही है। अब तो रोड पर भी इक्का दुक्का साइकिल चलाने वाले ही नजर आते हैं। कुछ वालिदैन चाहते तो हैं कि उनके बच्चे साइकिल चलाएं, लेकिन जो हमारे यहाँ ट्रैफिक का हजूम है वहाँ साइकिल चलाने वालों की जगह ही नहीं बची। और बात की जाए गली मोहल्लों की तो वहाँ भी ट्रैफिक का इस्तेहाम है कि बच्चे गलियों में भी साइकिल नहीं चला सकते। आज के दिन की अहमियत और जरूरत पर प्रोग्राम में हम डिटेल बात भी करेंगे और खास मेहमानों से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं जी, अपने शहर की कुछ बात करें तो आए रोज एक नया मसला हम देखने को मिलता है। पेट्रोल की कीमतें तो कम हो गई है लेकिन शहर में पेट्रोल बहरान फिर सर उठाने लगा है। निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जानिब से सप्लाई बंद कर दी गई है। निजी कंपनीज के पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की फरोख्त रोक दी गई है। PSO के पंप्स पर गाड़ियों मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगी रही। सबीर हसन की रिपोर्ट देख लेते हैं। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, दूसरी जानब 10% निजी पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई ना पहुंच सकी। सप्लाई मुतासर होने पर मुख्तलिफ इलाकों में निजी मार्केटिंग कंपनियों के पंप्स बंद, शहरी पेट्रोल की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। निजी पेट्रोल पंप्स बंद होने पर पाकिस्तान स्टेट ऑयल के पंप्स पर रश बढ़ गया। गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल सस्ता होते ही पंपों पर सप्लाई रोक दी गई है। मोटरसाइकिलों को धक्के लगाकर पेट्रोल तलाश कर रहे हैं। 7 रुपए कम हुआ है ना, इस वजह से अभी ये 15 रुपए 20 रुपए बढ़ा दें सब अच्छा हो जाएगा। पेट्रोल इनके पास स्पेयर है लेकिन नहीं देंगे। पेट्रोल मिलता नहीं पाया, इतनी महंगाई हुई है। मैं 20 रुपया का पुआना है, यकीन मानो पैसा जेब से कोई नहीं है। महंगाई बोले रूज भी है, पेट्रोल सस्ता करने के बावजूद भी नहीं मिल रहा। अब हम गरीब बंदे क्या करें, सड़कों पे घूम रहे हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, अपने कामों के लिए कैसे जाएं? निजी पेट्रोल पंप इंतजामिया का कहना है कि पेट्रोल की सप्लाई एक रोज तक मुतवक्के है, जबकि शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेकर मामला हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इकरामुल हसन के साथ सबील हसन, दुनिया न्यूज लाहौर। नाज़रीन रिपोर्ट आपने देखी, शहरियों की परेशानी के हवाले से भी आपने सुना, इसी पे मजीद बात करनी है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतें तो कम हो गई लेकिन शहर में पेट्रोल ही नायाब हो गया है, सप्लाई क्यों नहीं पहुंच पा रही, क्या रीजन है? सिद्रा, अगर शहर में पेट्रोल की कीमतों की बात की जाए, कीमतें तो हुकूमत की जानिब से जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से कम कर दी गई हैं और रवां साल की कम तरीन सतह पर जो है वो पेट्रोल की कीमतें पहुंच चुकी हुई हैं 75 रुपये फी लीटर तक। लेकिन इसके बावजूद जो है वो शहर के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की सप्लाई जो ऑयल डिपो से होती है वो ना होने की वजह से जो है पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, जिसके बाद शहरी जो हैं वो पेट्रोल पंप्स पे चक्कर लगा के चले जाते हैं और बंद पेट्रोल पंप देख के वापस जो है वो चले जाते हैं और दूसरे किसी पेट्रोल पंप की तलाश में निकल पड़ते हैं जहाँ से पेट्रोल मिलता हो। या अगर पेट्रोल की बात की जाए तो इस वक्त निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से जो है वो ऑयल डिपोज में सप्लाई जो है वो खातिर ख्वाह नहीं रखी गई, जिसके बाद जो है वो शहर लाहौर को होने वाली सप्लाई जो है वो शदीद मुतासर है। सिर्फ पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जो पेट्रोल पंप्स हैं और जो ऑयल डिपो है वहाँ से जो है वो सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से शहर का तमाम तर बोझ जो है वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल के पेट्रोल पंपों पे पड़ता नज़र आ रहा है। निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो बड़ी साइट्स हैं या जो बड़े पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे सप्लाई जो है वो महदूद पैमाने पर की जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो शहर में पेट्रोल की किल्लत जो है वो एक बार फिर सर उठाने लगी है। 30 लाख लीटर पेट्रोल योमिया जो है वो एवरेज शहर लाहौर को दरकार है, लेकिन इस वक्त
जो है वो तकरीबन 20 लाख लीटर के करीब, 20 से 22 लाख लीटर के करीब जो है वो शहर लाहौर को पेट्रोल की सप्लाई हो रही है। 8 से 10 लाख लीटर जो है वो शॉर्ट है और जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का ही वजह है। अब्दुल कादिर, ये भी बताइए कि आपने सप्लाई और डिमांड में कितना गैप आया है ये भी बता दिया। अब हमें ये बताइए कि शहर के कितने परसेंट पेट्रोल पंप है जो कि बंद हो गए हैं सप्लाई ना पहुंचने की वजह से, और कब तक बहाल हो जाएंगे, क्या कहना इंतजामिया का? बिल्कुल, अगर शहर के पेट्रोल पंप्स की बात की जाए तो 350 से ज़ायद जो है वो शहर लाहौर में पेट्रोल पंप्स हैं, जिसमें से 105 पेट्रोल पंप्स जो हैं वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल के हैं, जहां पर सप्लाई जो है वो की जा रही है लेकिन महदूद पैमाने पर की जा रही है, क्योंकि दीगर जो पेट्रोल पंप्स हैं जिसमें से 250 से ज़ायद पेट्रोल पंप्स हैं उनमें से 100 से ज़्यादा पेट्रोल पंप जो हैं वो इस वक्त शहर में बंद हैं। जो पेट्रोल पंप खुले हुए हैं वहाँ पे भी महदूद पैमाने पर जो है वो सप्लाई की जा रही है ताकि जो है वो शहरियों को पेट्रोल मिल सके। और इस हवाले से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के ज़राए से जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से जो है पेट्रोल की कम होती कीमतों की खबरें सुनकर जो है वो पेट्रोल स्टॉक नहीं किया गया, क्योंकि इस नुकसान से बचा जा सके, क्योंकि जो पेट्रोल स्टॉक में होता है वो हुकूमत की जानिब से जब जो पेट्रोल की कीमतें कम की जाती हैं तो महंगा खरीदा हुआ पेट्रोल जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सस्ते दामों फरोख्त करना पड़ता है। यही वजह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से जो है वो अपने ऑयल डिपोज में बरवक्त सप्लाई जो है वो खातिरखा नहीं रखी गई, जिसके बाइस जो है वो शहर लाहौर में मुतअद्दद पेट्रोल पंप्स जो है वहाँ पे पेट्रोल जो है वो दस्तयाब है। ये बताइए कि आज शहर की क्या सूरत हाल है और दोपहर तक रात तक क्या सूरत हाल रहने वाली है, और पाकिस्तान स्टेट ऑयल के जो पेट्रोल पंप्स है क्या वहाँ पर इतनी सप्लाई मौजूद है कि शहरियों के डिमांड्स को पूरा किया जा सके? कुल अगर पाकिस्तान स्टेट ऑयल की बात की जाए तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल के 350 में से 105 के करीब पेट्रोल पंप हैं। यही वजह है कि तकरीबन शहर में 35 से 40 फीसद तक जो पेट्रोल की कंजप्शन या खपत है वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल के पेट्रोल पंप्स जो हैं वो पूरा करते हैं। अगर मामूल के दिनों की सप्लाई की बात की जाए तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल के मामूल के दिनों में जो सप्लाई की जाती है वो 12 से जो है वो 14 लाख लीटर यौमिया जो है वो पेट्रोल शहर लाहौर को सप्लाई किया जाता है, लेकिन गुज़िश्ता दो दिनों से जो निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की खपत जो है वो भी पाकिस्तान स्टेट ऑयल के ऊपर ही पड़ रही है, जिसकी वजह से अब जो है वो ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने जो है वो अपनी सप्लाई जो है वो दुगना कर दी है, 12 लाख लीटर से बढ़ाकर जो है वो 22 लाख लीटर, 20 लाख से 22 लाख लीटर जो है वो यौमिया पेट्रोल सप्लाई कर रहे हैं। अगर सप्लाई में गैप की बात की जाए तो 8 से 10 लाख लीटर जो है वो अब भी शहर में जो है वो पेट्रोल शॉर्ट है, जिसकी वजह से शहरी जो है बंद पेट्रोल पंप को सड़क से देख कर ही जो है वो वापस चले जाते हैं कि ये पेट्रोल पंप बंद है। ये भी पेट्रोल पंप मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो है वो इन्होंने रुकावटें लगाकर जो है उसको बंद किया गया है कि शहरियों को दूर से ही पता चल जाए कि इस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल की सप्लाई जो है वो नहीं की जा रही, और यही वजह है कि शहरी जो है वो अब जो है वो आदि होते जा रहे हैं, क्योंकि ईद के दिनों में भी निजी आने वाले कितने रोज में ये मामला हल हो जाएगा ये भी बता दीजिए, कितने रोज लगेंगे कि सप्लाई मुकम्मल आएगी और डिमांड को मीट करेगी? इस हवाले से जो पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जराए से बात हुई तो उनका ये कहना है कि 15 जून तक जो है वो सप्लाई जो है वो शहर में मुकम्मल तौर पर बहाल हो सकती है, क्योंकि कराची पोर्ट से जो पेट्रोल है वो पहले निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के डिपोज में आएगा, डिपोज में अनलोड होने के बाद जो है वो यहाँ पे शहर की जो सप्लाई करने वाली गाड़ियाँ हैं उन पर जो है वो सप्लाई किया जा सकेगा, उसके बाद जाके शहर में जो है वो मुकम्मल तौर पर किल्लत जो है वो खत्म हो सकेगी। 15 जून तक जो निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ मौजूद रहे और डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि किस तरह से पेट्रोल की कीमतें तो कम हो गई हैं लेकिन अब शहर में पेट्रोल की किल्लत देखने को मिल रही है, जो कि हमने देखा कि ईद के दिनों में भी हमें देखने को मिली, कि ईद के 2-3 रोज थे तब भी हमने देखा कि बहुत सारे पेट्रोल पंप्स बंद रहे और शहरी मुश्किलात का शिकार है। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। दिन ब दिन खदशा बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। जो पहले हम 600-700 केसेस देखते थे अब 3,000-3,000 एक शहर में केसेस एक दिन में रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग तो परेशान हैं, हुकूमती इदारे भी परेशान हैं, लेकिन उसके साथ साथ हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं।
हमने टेस्टिंग की बात की कि किस तरह से टेस्ट हो रहे हैं, टेस्टिंग की क्रेडिबिलिटी क्या है, कितनी तादाद हो गई है, अस्पतालों में क्या सूरत हाल है। लेकिन आज हमने बात करनी है कि जब लॉकडाउन में नरमी हो गई है तो फिर SOPs पर अमल दरामद लोग तो नहीं कर रहे। अगर लोग नहीं मान रहे तो फिर किसकी जिम्मेदारी है लोगों पर इन्फोर्समेंट करना या फिर लोगों को मनवाना कि उन्होंने मास्क भी पहनना है और बाजार में जाते हुए SOPs का ख्याल भी रखना है। हमारे यहाँ अभी तक कोई भी वाज़े पॉलिसी नहीं दी गई कि मास्क पहनना लाजमी होगा, जो नहीं पहनेगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या कोई जुर्माना होगा, किसकी जिम्मेदारी होगी। अभी तक कोई एक इदारा ग्राउंड में मौजूद नहीं है जो कि मॉनिटरिंग करे, मुख्तलिफ मार्केट्स में जाए, छापे मारे, वहां पर लोगों को बताए कि भाई SOPs पर अमल दरामद करना है वरना दोबारा से आप लोगों को घरों में बंद कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ इस तरह का कोई सिस्टम अभी तक मुतारिफ नहीं करवाया जा रहा, जबकि पूरी दुनिया की जो कि हमारे हुक्मरान बात करते हैं कि हम लोग दुनिया के जो अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने कोरोना से जान छुड़ाई है या कोरोना वबा को डील किया है। वहां की बात की जाए तो सऊदी अरब में मास्क ना पहनने वालों को 1,000 रियाल जुर्माना अदा करना पड़ता है, जो कि पाकिस्तानी रूपों में तकरीबन 43,250 रुपए बनते हैं। दूसरी जानिब इटली की बात कर लेते हैं, जहां पर कोरोना वबा ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। वहां पर जो बंदा घर से गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलेगा, मास्क का इस्तेमाल नहीं करेगा, SOPs को फॉलो नहीं करेगा, उसको 206 यूरो अदा करने होंगे, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 38,154 रुपए बनते हैं। दूसरी जाने बात कर लेते हैं जी UAE की, जहां पर ईद के औकात में हमने देखा कि कोई भी बंदा अगर वो किसी के घर में जाता है या फिर खिलाफवर्जी करता है SOPs की, घर से निकलता है, तो उसको 5,000-4,000 दिरहम तक नुकसान का बताया गया था, जुर्माने का बताया गया था, और लोग वहां पर मजबूर है मानने पे क्योंकि इतना हैवी फाइन अदा करना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर खालिद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं आप, लाहौर जनरल अस्पताल से आपका ताल्लुक है, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे, बिलाल आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ लाइव मौजूद होंगे स्काइप पर, तर्जुमान हैं आप पंजाब हुकूमत के, उस्मान साहब प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी कि एक रिपोर्ट भी वज़ीर आला साहब को पेश की गई है, ख़तरा बता दिया गया है कि अच्छा खासा हो गया है, उसके बावजूद लोगों के तो रवैये हैं ही लेकिन इदारों की जानिब से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराना चाह रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा ख्याल है ये बहुत अहम टॉपिक है। अगर हम इसको शुरू से स्टार्ट लें तो उसमें जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी लॉकडाउन की दी थी आवाम को, उस पर साथ ही नरमी भी हो गई शुरू में, मैं बात करूँगा तो, पर उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल था कि शायद बीमारी हमारे यहाँ स्टार्ट हो रही थी, हमने एंटिसिपेट किया भी तो केसेस बहुत कम रहे, जैसा कि आपने अभी कहा कि चंद सैकड़ों से लेकर तादाद शुरू हुई। पर अब ये जो नरमी ईद के दिनों में देखने में आई, 10-15 दिन जो मजबूरी थी करनी थी, पर गवर्नमेंट ने साथ SOPs भी दिए उसमें, पर उस पर बिल्कुल पाबंदी नहीं हुई, ना अवाम ने की और ना शायद करवाई गई उसके ऊपर, तो उसका खमियाजा शायद अब हमारे सामने आ रहा है कि बहुत सारे केसेस जो हैं अब बढ़ गए हैं पूरे पाकिस्तान में, यही हाल है तकरीबन हज़ारों में, जैसा कि आज भी आपने देखा कि 4,000 के कल केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो इस तरह केसेस की तादाद बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। तो हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि ये जो हालात पैदा हो रहे हैं ये आवाम के लिए भी बहुत मुश्किल है, डॉक्टरों के लिए भी बहुत मुश्किलात आ रही हैं इसमें, क्योंकि अस्पताल अब तकरीबन चौक होने की सिचुएशन में आ रहे हैं, उसमें अब हर कोशिश बंदा ये करता है कि हम अस्पताल की तरफ जाएँ, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं चाहे वो सरकारी अस्पताल हैं, क्योंकि अलामात हैं वो परसिस्ट करती हैं, लोगों को बुखार भी हो रहे हैं, सांस भी चढ़ रहे हैं, जब ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो उसमें सिवियरिटी में भी ज्यादा लोग जाएंगे। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज की इजाजत नहीं देगा कि बड़ी तादाद में लोग अस्पतालों में पहुंचे। उस्मान साहब आपसे बात करना चाहूंगी, सर SOPs तो बन गए हैं लेकिन अमल दरामद नहीं हो पा रहा। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए आज जो असल में टेलीविजन के ऊपर आपने जो सवाल किया, तो सवाल मेरे ख्याल में इस तरह होना चाहिए कि SOPs तो हुकूमत ने बनाए तो लोग इस पे अमल क्यों नहीं कर रहे। देखिए हम हर बात अपने इदारों पे डाल देते हैं, पाकिस्तान में 72-73 साल के अंदर कोई इदारा नहीं बना, फौज के अलावा सियासतदानों ने, पाकिस्तान की सियासी इशराफिया ने, पाकिस्तान में हुकूमत करने वालों ने कोई एक इदारा बनने नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि हमें फिरका गुलामती से निकलना होगा, कोरोना ने पाकिस्तान ने 192 मुल्कों के ऊपर बड़ी शिद्दत से हमला किया, पाकिस्तान के हमसाये चीन है जहाँ से ये सारा वायरस चला। मान साहब ये बताइएगा सर कि आपने सारी जिम्मेदारी लोगों पर डाल दी है, मैं पहले दिन से लोगों को जिम्मेदार करार देती आई हूँ, लेकिन अब जब लॉकडाउन में नरमी हो गई है
तो इदारे हमारे मौजूद हैं, क्या उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराने या लोगों पे जिम्मेदारी डालकर इदारे बरी उजिम्मा हो जाएंगे गवर्नमेंट? मेरे ख्याल में कोई इनकम्युनिकेशन हो गई है। मैंने बिलाल भी पास समझे और आपकी भी, मैंने कतन ये भी कहा कि तमाम जिम्मेदारी पाकिस्तान के लोगों की है। मैंने कहा है कि गवर्नमेंट जैसे अपनी हिस्से का कंट्रीब्यूशन कर रही है, एसओपीस बनाए जा रहे हैं, और आप लाहौर के अंदर बिलखसूस देखिए कि मियां असलम इकबाल साहब और हमारी जो मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी है, हमने एसओपीस पे अमल ना करने वाले मॉल्स को बंद किया है, हमने दुकानों पे फाइन किए हैं। हमारे जो ये पाकिस्तान जो एक पूरी दुनिया बिलखसूस पाकिस्तान जो इस कोरोना के फ्रेज से गुजर है, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने हमारे इदारों ने बड़ा जबरदस्त काम किया है। आप देखिए कि इस सारी कोरोना की वबा के अंदर पंजाब के अंदर मैं बात करूंगा, जो हमारे 36 जिला है, तमाम डीसीओस ने ग्राउंड के ऊपर, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर ने ग्राउंड के ऊपर एसओपीस की इंप्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया है। जब लॉकडाउन लगा तो आपने देखा, बसरा साहब को ऑब्जर्व किया। सर मुझे लगता है कि शायद आप काफी देर से घर से बाहर नहीं निकले, वरना आपको रोड्स पे जाने, गाड़ी के अंदर से अगर आप देखते तो आपको अंदाजा हो जाता कि एसओपीस पर कितना अमल दरामद हो रहा है। क्योंकि मैं हर रोज ऑफिस आते जाती हूँ तो मेरी खास नजर होती है, मैं लोगों को देखूं कि कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने मास्क ही पहन रखा है या कितने परसेंट लोगों ने नहीं पहन रखा। सर मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि एसओपीस तो बन गए हैं, लाहौर शहर में इस वक्त जिला इंतजामिया ने कितनी टीमें बनाई हैं, कौन कौन सी मार्केटों पे छापे मारे गए हैं, कौन कौन सी मार्केट को जाके विजिट किया गया है, मॉनिटर किया गया है कि वहां पर कितने परसेंट लोग एसओपीस पर अमल दरामद कर रहे हैं, कितने परसेंट नहीं कर रहे हैं? मैंने एक टीम नहीं देखी सर ऐसी। मैं आपकी खिदमत अर्ज करूं कि ये ऑलरेडी आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले भी इस पर जो बात हुई थी हमारी मिनिस्ट्रियल कमेटी के अंदर, और खास तौर पे जो ईद के बाद है, तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं और जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जारी की गई एसओपी जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाए। अभी मैं आप कह रही हैं, मैं तो जैसे आप बाहर निकलती हैं तो मैं तो रोज ही आप लोग खुशकिस्मती कह रहे हैं कि खिदमत के लिए, जिस तरह कह रहे हैं कि हम तो लोग मैदान में मौजूद होते हैं। गुजरांवाला के अंतर्गत मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब ने 2 बड़े मॉल्स को जाके सील किया है एसओपीस पे अमल ना करने की वजह से, और ये इसके अलावा बाकी तमाम शहरों के अंदर भी, आप देखिए लाहौर के अंदर भी मियां असलम इकबाल खुद गए, लाल किले के अंदर खुद गए, इचरा के अंदर अपनी टीम को लेकर गए, और ये उन्होंने बारह वार्निंग की और बहुत से मॉल्स को, शॉपिंग स्टोर्स को फाइन किया और कहा कि जो एसओपीस के ऊपर अमल नहीं करेंगे हम उनको बंद कर देंगे। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि कोरोना क्योंकि पाकिस्तानी नहीं दुनिया के अंदर पहली दफा आने वाली चीज है, अब हर मुल्क उसको अपनी विजडम के मुताबिक हुकूमतें उसको डील कर रही है। पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा नंबर है वो बताते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान यानी प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम की जो विजडम है इससे लड़ने की या इसके खिलाफ मुजामत की वो कामयाब है। आप देखिए अगर ये विजडम कामयाब ना होती, अगर प्रियमटिव प्रिकॉशनरी मेजर्स, और पाकिस्तान के लोगों ने भी बड़ा साथ दिया है, देखिए हमें भी ब्लेम नहीं करना, जब यहाँ पे लॉकडाउन था पूरी मुकम्मल तौर पे तो मैंने नहीं देखा कभी पाकिस्तान के अंदर के नाम आपकी उस तरह से पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी लोग को कोई तशद्दुद का निशाना नहीं बना रही थी। उस्मान साहब यकीनी तौर पर आप पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान हैं, सब अच्छा की रिपोर्ट देना आपकी जिम्मेदारी है, हम समझ सकते हैं, लेकिन बिलाल मुझे ये बताइए कि मैं मुसलसल 3-4 प्रोग्राम से इस क्वेश्चन पे जोर दे रही हूँ कि कौन से इदारे की जिम्मेदारी है, किसने एसओपीस पर अमल दरामद करवाना है। देखें सिद्रा, अभी तक हमें ये नोटिफिकेशन नहीं मिला कि मास्क पहनना ज़रूरी है। बिल्कुल, आप देखें कि जिस तरह उस्मान साहब बता रहे हैं कि असलम इकबाल साहब ने मुख्तलिफ मार्केट्स का विजिट किया, बिल्कुल किया, हम इसके गवाह थे, हमने बल्कि खुद भी कवर किया, वो विजिट कर सकते हैं, नीचे टीम्स ने काम करना। लेकिन इशू पता क्या है सिद्रा, सिर्फ ये नहीं कि एडवांस हमने विजिट किया उसके बाद हम भूल जाएं। अब ये है कि आपको पता है ईद के दिनों में आप भी बाहर निकली, हम मार्केट्स में गए, मैंने लाइव किया, आपने किया, हमने सारी चीज़ों को दिखाया, तो हमने देखा कि मतलब गवर्नमेंट हमारा, हमें अपना माइंड सेट समझना चाहिए कि हमारी आवाम तब तक नहीं समझती जब तक उन पर कोई प्रेशराइज उनको ना किया जाए। अब इछरा मार्केट देख लें, बागबानपुरा मार्केट्स देख लें, बड़ी मार्केट्स देख लें, जब तक आप उनके सिक्योरिटी नहीं लगाएंगे या उनका कोई राउंड नहीं लगाएंगे मार्केट के अंदर, तब तक जितने भी दुकानदार हो एस ओ पी पे मुकल। अच्छा बात कर रहे हैं, कोई ये जो मीटिंग होती है, रोज इजलास होते हैं, किसी वजीर की जानिब से, मुशीर की जानिब से, हुकूमती नुमाइंदे की जानिब से ये तजवीज दी गई है कि ऐसा कुछ होगा तो लोग मानेंगे। देखें सिद्धा, जहाँ तक तजवीज़ की बात है तो मैं आपको ये बताऊं कि 15 मई की जो रिपोर्ट महकमा सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने सीएम को जो पेश की थी, जिस पे फिर पता चला कि 6,70,000 एक्सपेक्टेड पेशेंट हो सकते हैं। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि अब उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया कि हमें
नियर फ्यूचर इतने पेशेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो उन्होंने सीएम को, सेक्रेटरी उस्मान साहब ने अपना ये पिक्चर दिखा दी कि जनाब ये पिक्चर है, अब आप इससे अकॉर्डिंग आप अपने जो प्लानिंग्स हैं वो करें। लॉकडाउन लगाना है या उसको स्ट्रक्ट करना है या लॉकडाउन, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। और मेडिकल एक्सपर्ट्स तो डॉक्टर साहब पहले दिन से ही कह रहे हैं कि सख्ती करें। बिल्कुल सही है, बिलाल भी सही कह रहे हैं। इसमें तीन बेसिक रूल जो है जो सबको पता है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और हैंड वॉशिंग, ये तो पहले बेसिक रूल है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि बसरा साहब ने कहा है जी गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे से टैकल किया है इसको, कोरोना को बड़े अच्छे से डील किया है, इसलिए हमारे यहाँ केसेस कम है, जबकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ और चीज़ें बताते हैं कि हमारे यहाँ क्यों केसेस कम है। देखिए मैं बसरा साहब की बात को तो ऐसा नेगेट तो मैं नहीं कर सकता, अगर वो गवर्नमेंट की है तो मैं भी गवर्नमेंट का मुलाजिम ही हूँ जी, पर बेसिकली गवर्नमेंट की जो काविशें हैं शुरू से हमने देखी तो है, अस्पतालों में तो हमें बहुत नजर आई, हर किस्म की इन्होंने पीपीज प्रोवाइड की, डॉक्टर्स को कोशिश की कि हम प्रोटेक्ट करें, मरीजों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बनाई, अभी भी ये कोशिशें हो रही हैं कि बेड एक्सटेंड किए जाए, मरीज को फलानी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बट जहाँ तक हम बाहर आते हैं आवाम पे, तो वहाँ पे आवाम को बहुत खुद समझना चाहिए जो कि नहीं समझ रहे वो। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी के साथ साथ बिल्कुल सही है कि आवाम जो है हमारी उसको समझना है कि जब तक हम ये चीज नहीं करेंगे हम बचेंगे नहीं, और इन्हीं लोगों में से जो एहतियात नहीं कर रहे, अब आप देखिए एक एक फैमिली में 10-10, 15-15 लोग जो है ना वो पॉजिटिव आ रहे हैं, और उसमें से खुदा ना खास्ता कुछ लोग सीरियस भी हो जाते हैं। अब केस बढ़ने की वजह यही है कि हम जो SOPs हैं उस पर अमल कर नहीं रहे और करवा भी नहीं रहे। तो मेरा ख्याल दोनों जगहों पर जरूरी है कि सख्ती भी की जाए, जिस तरह बाकी आपने बिल्कुल क्लियरली कहा बाकी गवर्नमेंट्स ने बाकी मुल्कों ने की कि उसको लाजमी उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया, तो हमारी तरफ से भी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। उस्मान साहब पूरी दुनिया के लोगों का यही रवैया है कि वो नहीं समझ पा रहे जिसकी वजह से गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट कर रही है। मुझे अच्छा लगा बिलाल से सुन के उन्होंने कहा कि ये टेंटेटिव फिगर थी सेक्रेटरी साहब ने, अच्छा कुछ टेलीविजन पर लोग कह रहे हैं कि 6 लाख मरीज शायद आ गए हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके प्रोग्राम के अंदर वेल प्रिपेयर्ड पैनलिस्ट बैठे हुए हैं और आपकी अपनी ग्रिप भी सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा है। देखिए एक चीज सिद्रा हमें अंडरस्टैंड करनी है कि पाकिस्तान के पास महदूद वसाइल है, पाकिस्तान के अंदर सेहत और तालीम कभी किसी हुकूमत का पेश नजर मतम नजर नहीं है या प्रायोरिटाइज किया ही नहीं गया है, जो एक लिमिटेड रिसोर्सेज है आपकी हुकूमत ने उसके अंदर ही काम कर रहा है। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी वसी उलकलमी से कहा और दुख भी उसमें शामिल था कि पूरी दुनिया के अंदर जो वॉलंटियर्स हैं वो काम करते हैं मुश्किल वक्त के अंदर, और वॉलंटियर्स बाकायदा एक इदारा बन के खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपने कोशिश की और अलहमदुल्ला बनाए भी आपके सामने टाइगर फोर्स, प्राइम मिनिस्टर ने जितनी बसरा साहब टाइगर फोर्स की सर आपने खुद ही बात कर दी है, टाइगर फोर्स को ही मैदान में ले आए, वही SOPs पर अमल दरामद कर ले, वो कागजात में तो बन गई है ग्राउंड में दिखाई नहीं दे रही। सिद्रा मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करने लगा था कि एक तो मैं आपको बताता हूँ कि ग्राउंड में किस तरह काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के सियासी निजाम के अंदर उसको भी इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया गया कि 10 लाख के करीब नौजवान जो बिला तख्सीस के वो किस जमात से है वो पाकिस्तानी है, उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया कितनी बड़ी उन्होंने अजीम मकसद के लिए, लेकिन हमने उसको भी यहाँ प्रिटिसाइज किया। अब मैं आपको बताऊं कि क्योंकि 10 लाख लोग उसके अंदर रजिस्टर हुए हैं, उनको मरहलावार अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो उनकी और नीचे उनकी तहसील है उसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर बुला रहे हैं, बुला कर तो यही ड्यूटियां तफ्तीश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में डोमिनेंट जगहों में ये मुकम्मल हो चुका है, टाइगर फोर्स मैदान के अंदर मौजूद है और इस सारे SOPs को अमल कराने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और आइंदा भी किसी मुश्किल के लिए किरदार अदा करेंगे। लेकिन आप दोबारा मैं आपसे यही कहूंगा कि जब आप कंपैरिजन करते हैं, देखिए आपने बड़ा खूबसूरत कंपैरिजन किया इटली के अंदर इस तरह से हुआ, बर्तानिया में इस तरह से हुआ, लेकिन यह मैं आपके सामने बड़े दर्द से सवाल रखना चाहता हूँ, इटली के अंदर कभी नवाज शरीफ जैसा प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था, बसरा साहब सर वबाई सूरत हाल है, मुझे किसी पर तनकीद नहीं करनी, मुझे सियासत पे ये प्रोग्राम नहीं करना, इसलिए सर हमारी उम्मीदें PTI से वाबस्ता हैं, जो इस वक्त की हुकूमत है, हम लोग उनकी तरफ देख रहे हैं कि वो कुछ करें ताकि जो लोग नहीं मान रहे उनको मनाएं, ताकि उनकी वजह से हमारी जिंदगियां खतरे में ना पड़े। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, मैं तो पॉलिटिकल बैशिंग नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक अपना एक जो एक नुक्ता नजर सामने रखा। देखिए आज आपके प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है 144 अरब रुपए का,
आज आपने अपने फ्रंट लाइन पर बैठे वाले डॉक्टर्स के लिए 3 महीने के लिए और इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, उनको एक एक महीने की तनख्वाह बोनस के तौर पर दी है। आज आपने बिजली के बिलों को माफ किया है। आज सिर्फ पिछले 2 महीनों के अंदर आपके पेट्रोल की प्राइस 45 रुपए कम की गई है। बसरा साहब, बिजली के बिल माफ नहीं हुए सर, वो उनको थोड़ा सा अगले महीनों में डाल दिया गया है कि थोड़े थोड़े करके बिल आएंगे, माफ नहीं किए गए। मैं मजीद भी सर आपसे बात करती हूँ। बिलाल, मुझे ये बताइए कि ये टाइगर फोर्स की बात कर रहे हैं, ओपोजिशन तो हमेशा से तनकीद करती रहती है, उन्होंने तो उस पर भी करना है, उसको पोलिटिसाइज करना ही करना है, लेकिन आप मुझे ये बताइए जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है जिसके इजलास होते हैं, जो तमाम फैसले करते हैं, कोई फैसला हुआ है कि टाइगर फोर्स मैदान में आ गई है या फिर आएगी, लाहौर में कहीं नजर आई है, क्योंकि लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है। देखें सिद्रा, टाइगर फोर्स की ग्राउंड में आने से पहले ये आ चुकी है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर इसको ग्राउंड में उतारना है तो सबसे अहम जो चीज़ है, पहले उनको जो ट्रेनिंग है वो दी जाए। ट्रेनिंग क्या दी जाए कि जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं, जो कंफर्म पेशेंट्स हैं, किस तरह डील करना है, किस तरह उनको मैनेज करना है। क्वेश्चन आप नहीं समझ पाए, हम ये तो हो गया ना, दूसरा मामला में SOPs पर अमल दरामद के हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए SOPs जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने जो बनाए थे, अब उस पर अगर आप ये देखें, इस पर जो हमारी टाइगर फोर्स है उसने क्या इम्प्लीमेंट करना है, हमारे इस वक्त अस्पतालों के अंदर हेल्थ प्रोफेशनल्स ही इतनी बड़ी तादाद में जब मुतासिर हो रहे हैं, प्रोफेशनल्स बहुत मुतासिर हो गए हैं, अस्पतालों में आने जाने वाले लोग भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, हम बारहा दिखा चुके हैं जी। इसकी भी गवर्नमेंट ने और सीएक कमेटी की बात कर रही है, आपने बड़ी क्लियर कट गाइडलाइंस दी, ये मैं आपसे बात करूंगा 2-3 हफ्ते पहले की, कि जो भी हॉस्पिटल में बंदा एंटर होगा, चाहे वो मरीज हो चाहे उसका रिलेटिव हो, उसने मास्क जरूर लगाना है। पर मैं बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल में भी उस तरह के ही जमगट्ठे लगे हुए हैं, कोई लोग मेजॉरिटी मास्क नहीं पहन रहे। अब डॉक्टर्स अपनी हत्तुल वसा कोशिश के बावजूद के वो कोशिश करते हैं मास्क पहने और जो अवेलेबल किट्स हैं वो पहने, उसके बावजूद जब इतना एक्सपोजर होगा तो वो कैसे बचेंगे, यही वजह बन रही है हेल्थ केयर वर्कर्स को। बसरा साहब, डॉक्टर साहब की आपने बात सुन ली है, हम भी कई बार अपने प्रोग्राम में दिखा चुके हैं कि अस्पतालों में भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, ये बताइए कि आने वाले वक्त में पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से स्पेशली क्या प्लानिंग की जा रही है, कि कोई सख्ती की जाएगी या फिर SOPs पर कम से कम किस तरह से अमल दरामद करवाया जाएगा, प्लानिंग क्या है? के ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है, जीरो टॉलरेंस है। आपको इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर क्या भी प्रोग्राम करते रहेंगे, आप देखेंगे कि SOPs के खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, बड़े स्ट्रिक्ट हैं हमारे डीसी साहब को। ठीक है, बहुत शुक्रिया बसरा साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, डॉक्टर साहब, बिलाल चौधरी, आपका भी बहुत शुक्रिया। बसरा साहब ने तो कह दिया है जीरो टॉलरेंस है, लेकिन यहाँ पर जो है वो टॉलरेंस ही दिखाई दे रही है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आसिया, हमें ये बताइए कि आगाज तो आपने साइकिलिंग का कर लिया है, रूटीन में चलाते हो, घर के कोई काम करने हो या अपने कोई काम करने हो तो साइकिल को प्रेफरेंस मिलती है? समटाइम्स, कभी कभी, मोस्टली नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है। हाँ। कि हम लोग मतलब डेली रूटीन में साइकिल पे सामान वगैरह लेके आए हैं कुछ और, तो जब हमारा कंपटीशन होता है तब हम लोग स्पेसिफिक टाइमिंग्स पे, एक हमारा स्पेसिफिक ग्रुप होता है, साथ हमारे कोच और सारे ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं, फिर हम प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं। यानी रूटीन में आप अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते? एग्जैक्टली, बिल्कुल। एक तो लोग बहुत देखते होंगे, जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि ट्रैफिक के बहुत सारे मसाइल हैं। बिल्कुल, ट्रैफिक की वजह से भी हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर सकते, फिर उसके अलावा जो है कोच का होना बहुत जरूरी है। ठीक, आप काम शाम अपने रूटीन के जब करते हो तो क्या क्या मसाइल देखते हो? साइकिल जब चलाते हो रोड्स पर तो आपको क्या क्या मुश्किलात लगती हैं? फर्स्टली तो सम टाइम्स ऐसे होता है कि कुछ बॉयज ना जान के बाइक के साथ लीड करते हैं, सो हमें इश्यूज होते हैं। ये बदतमीजियां जो है ना, ये हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन। वो लड़की बाइक पे हो, कार पे हो, साइकिल पे हो, वो उन्होंने हेलमेट पहना करो। साइकिल पे हेलमेट होता है हमारे, अच्छा, लेकिन फिर भी साइकिल से जब हम गिरते हैं तो पता नहीं चलता कि साइड से जाएंगे कि साइड में, सेम बाइक वाला हिसाब होता है, क्योंकि हमारी अपनी स्पीड एक लिमिट बनी होती है, तो उसके हिसाब से अगर हम, हमारी रोड पे होता है कि हमारी ब्रेक्स होती हैं, लेकिन फिर भी समटाइम्स स्लिप हो जाते हैं टायर्स, वो तो इश्यूज आते हैं इस चीज़ के, बाकी इतना खास नहीं, बाकी ओके रहता है। टीम के साथ जब चल रहे होते हैं, अपना
हमारी एक लिमिट बनती है, उसके साथ से हमने जाना है। हम कोशिश करते हैं हम उस टाइम पे जाएं मॉर्निंग में, ताकि ट्रैफिक ना हो, इजीली कर सकें ट्रेनिंग भी और टीम के साथ भी। ठीक आसिया, अगर हालात कुछ बदल जाएं, कोई हमारी सोसाइटी के रवैये बदल जाएं, कुछ बेहतरी आ जाए, कैसे आ सकती है, क्या समझते हो आप, क्या होना चाहिए? हम तो कहते हैं मतलब इंसान पहले खुद को अपने आप को चेंज करे, उसके बाद फिर जो है वो किसी और, हम मतलब किसी और तरफ भी देख सकते हैं। ठीक है, साइकिलिंग के हवाले से कितनी फैसिलिटीज मिलती हैं आपको? हम लोगों को खुद से करना पड़ता है, मतलब अगर हम लोगों ने कोई इक्विपमेंट्स लेने हैं या कुछ और साइकिल्स लेनी है तो खुद से करना पड़ता है। डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटीज हमें सपोर्ट नहीं करती ज़्यादा। ठीक, तो कितने की साइकिल आ जाती है फिर वो जो हमारी तकरीबन जो अच्छी वाली प्रोफेशनल साइकिलिंग है ना, मतलब जो बिगनर्स के लिए होती है वो तकरीबन 50,000 तक की। ठीक, ये बिगनर्स के लिए, बिगनर्स के लिए मतलब जिसने स्टार्ट ये है। इतनी महंगी साइकिल है, फिर उसके जो टायर ट्यूब्स पंचर वंचर हो गए, खराब हो गए, वो भी अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, तो फिर ये खर्चे कैसे निकलते हैं? करने पड़ते हैं इधर, जैसे अगर शौक के लिए करने पड़ते हैं। अभी आपका किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक है? मेरा रेलवे से, पाकिस्तान रेलवे से ताल्लुक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से मैंने आसिया से क्वेश्चन किया है कि किस तरह बेहतरी आ सकती है, क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए स्पेशली लड़कियों के लिए या फिर साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए? उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो हमें जो हमें चीज़ की ज़रूरत है, कुछ लोग होते हैं कि जैसे नहीं कर सकते अपने, अब नॉर्मल जैसे घर से आते हैं देसी व्हाटएवर जो भी, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इन चीज़ों को, तो उनको तो कम से कम प्रोवाइड करनी चाहिए ना चीज़ें, तो इससे शायद स्पोर्ट्स में और बहुत आगे लोग आए, क्योंकि ज़्यादा लोग बच्चे इसी वजह से रह जाते हैं कि कोई चीज़ करने के लिए नहीं है, आगे हम जा नहीं सकते, मुश्किल होती है, तो अगर उनको वो सपोर्ट करेंगे तो हमारे पाकिस्तान में शायद ज़्यादा कंपटीशन आ जाएगा कि इस चीज़ का, कि लड़कियाँ और ज़्यादा आएंगी, उनको फैसिलिटीज मिलेंगी, तो ऑब्वियसली हर कोई बचाएगा कि मुझे ये करना ये करना। ठीक आसिया, ट्रैक का होना साइकिलिंग के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एक ही वेलोड्रोम है और उसकी जो हालत है बिल्कुल वो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता कि वो बेचारा अब खस्ता हाल है, क्या मेरा ख्याल इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहा, लेकिन वहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप्स भी होती है। बिल्कुल, पाकिस्तान में सिर्फ एक ही ट्रैक है और पाकिस्तान में तकरीबन दो कम्पटिशन होते हैं, एक रोड चैंपियनशिप और एक ट्रैक चैंपियनशिप। ट्रैक चैंपियनशिप दो मतलब कैटेगरीज दो हैं, आगे से इनके फर्दर इवेंट्स हैं, मेन दो इवेंट्स हैं, और ट्रैक जो है हमारा नेशनल चैंपियनशिप जब भी होती है बहुत ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं गिर जाते हैं, वो फ्रैक्चर उनको हो जाता है, बहुत स्वेयर किस्म की इंजरी होती है, तो मैं चाहती हूँ पाकिस्तान में और ट्रैक्स हों, बाहर से पेशावर से या आउट ऑफ कंट्री से लोग यहाँ पे आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो अगर पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज में होंगे तो हम लोगों को भी ट्रेनिंग के लिए इजीली हम लोग कर सकते हैं, और जो बाहर से आते हैं वो भी प्रॉपर ट्रेन हो जाएंगे। है ना, पूरी दुनिया में तो वुडन के वेलोड्रोम और इंडोर वेलोड्रोम हम देखते हैं कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये पंजाब स्टेडियम में वही बेचारा बुरे हाल वाला सीमेंटेड और हमवार ना हमवार हो चुका है, बहुत दराड़ें पड़ चुकी हैं, कैसे प्रैक्टिस करती हूँ फिर वहाँ पर? करनी पड़ती है मैम, क्योंकि आगे हमें अगर कंपटीशन करना है, हम इस फील्ड में आए हैं, हमारी फेवरेट है, तो किसी ना किसी तरह उसको बैलेंस करना पड़ता है साइकिल पे, उसको अपनी आदत बनानी पड़ती है, उसको ठीक करना पड़ता है। बाकी अब हम उससे ज़्यादा उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऊपर गवर्नमेंट को जो भी, उसके अलावा हम से मेहनत अपनी कर रहे हैं उस पर, अगर चलते रहेंगे आगे तो इंशाल्लाह कामयाब होते रहेंगे, हम इनको देते रहेंगे, बस ये दे रहे हैं हमें तो वही बात। इंटरनेशनल टूर्स कितने मिलते हैं? ये जब आता है हर साल उस पर अगर आपकी बेट है, सॉरी लक है आपकी, तो आप उस पर जा सकते हो, आप ट्रेनिंग करो स्टार्ट में, उसके बाद आप अपने कोच से कहें अपने ट्रायल्स लें, उसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप इजीली जा सकते हैं। जब हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन को कैसे मीट कर सकते हैं? पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है इंटरनेशनल टूर की, और अगर एक प्लेयर यहाँ से ट्रेन होके जाता भी है तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल चेंजेस और कुछ ट्रैक का जिस तरह से आपने बताया वुडन है वहाँ का और यहाँ का सीमेंटेड है, तो उसकी उस तरह से परफॉर्मेंस ही नहीं निकलती फिर, तो वहाँ पे जाके उनकी परफॉर्मेंस भी लो हो जाती है और वो सही तरह से परफॉर्म भी नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप तो साइकिलिंग में आ गए हो, जैसे कैसे करके अपने शौक के तहत चला भी रहे हो, पूरा भी कर रहे हो, चाहो कि कोई छोटी बहन, कजन या कोई फैमिली मेंबर जो है कोई फीमेल साइकिलिंग में आए? जी, मेरे भाई, उसको मैं कहती हूँ साइकिलिंग स्टार्ट कर दे, लेकिन उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और मेरे पापा खुद स्पोर्ट्स प्लेयर हैं,
ठीक, इसलिए थोड़ा ज्यादा रुझान। बिल्कुल, मेरी फैमिली की बहुत ज्यादा सपोर्ट है, इसलिए मैं आज इस मकाम पे पहुंची हूँ। अच्छा हिना, आप कहोगे कोई आपकी छोटी बहन, कजन या किसी फैमिली या किसी दोस्त की बहन बहन को, किसी को कि भाई साइकिलिंग में आओ? जी जरूर, मेरी ना मेरी छोटी सिस्टर जो है वो करती है, वॉलीबॉल करती है, और मेरी एक कज़न है वो डेफ है, वो हमजा फाउंडेशन जाती है, वो वहाँ से करती है स्पोर्ट्स वगैरह में ना। हमारी ज़्यादातर फैमिली स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, और काफ़ी गर्ल्स हैं जो स्पोर्ट्स में हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट दूसरी गेम्स की तरफ है, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, और साइकिलिंग की तरफ छोटी सिस्टर का है लेकिन वो थोड़ी सी ना बल्की है, तो वो चाहती है कि मैं पहले स्मार्ट हो जाऊँ तो फिर आऊँ। साइकिल चलाने से तो मेरा ख्याल लड़कियाँ वैसे स्मार्ट हो जी, लेकिन फर्स्टली उसका स्टैमिना होना चाहिए, लेकिन समटाइम्स ना आपकी लेग्स और थाइस वगैरह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं अपर बॉडी की मिसक्यूज साइकिलिंग करते हुए ना, तो पहले टोटली फिट होना चाह रही है और फिर आएगी इंशाल्लाह। ठीक है आसिया, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में क्या देखते हो आप, लड़कों की बात की जाए या लड़कियों की, क्योंकि आप खुद प्लेयर हो, आप देखते हो हर साल कितने प्लेयर्स आते हैं साइकिलिंग में, फीमेल्स या मेल, शौक से आते हैं या फिर जो पुराने हैं वही चलते जा रहे हैं? फैमिली पर डिपेंड करता है, कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनकी फैमिली उनको अलाउ नहीं करती, और जो अच्छे होते हैं वो फिर उनका फाइनेंशली इशू हो जाता है, वो इसलिए अपनी गेम को प्रमोट नहीं कर सकते। प्लेयर्स आते हैं, पाकिस्तान में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से प्लेयर प्रमोट नहीं हो सकते। ठीक है, सहूलियात की कमी। एग्जैक्टली, कितनी चैंपियनशिप्स मिलती हैं साल में? हम लोगों को डिपेंड करता है फेडरेशन पर, लेकिन फिर भी एक अगर जनरलाइज हम करें कि आपको नेशनल लेवल पर या फिर कुछ ओपन होती हैं, कुछ तो कंपल्शन होती है ना कि नेशनल चैंपियनशिप होनी होनी। हमारी एक साल में एटलीस्ट दो ट्रैक चैंपियनशिप्स और दो रोड चैंपियनशिप्स हो जाती हैं। इतनी काफ़ी होती हैं प्लेयर्स के लिए? तकरीबन मैम, क्योंकि हमने ट्रेनिंग करनी होती है तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी आ जाता होता है समटाइम्स, तो इंटरनेशनल वो होता है, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसके बीच में हमें टाइम मिल जाता है कि हम दो कर लें तो इनफ, क्योंकि उनमें भी आई थिंक 5-6 इवेंट्स होते हैं जो इवेंट्स डे का होता है ना। हाँ, लेकिन चैंपियनशिप तो एक ही होती है ना, इवेंट्स तो बाद में उनकी डिवीजन हो जाती है, इसका मतलब है कुछ ना होने से होना अच्छा है। एग्जैक्टली, फॉर्मूले पे आप लोग चल रहे हो। अच्छा, सारा साल प्रैक्टिस जारी रहती है? हम लोगों की डिपेंड करता है कंपटीशन पे, वैसे जो अच्छा प्लेयर होता है वो पूरा साल अपनी जो है एंड्योरेंस में, जब कंपटीशन होता है तब। अच्छा, कंपटीशन से एक महीना 15 दिन तकरीबन, जब हमारा स्पोर्ट्स कैंप लगता है तब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। रूटीन में क्यों नहीं करते? आपको मैंने बताया कुछ इश्यूज की वजह से। अच्छा, ट्रैक पे भी नहीं जा पाते उसी वजह से? हाँ जी। ठीक है, कोचेज हैं हमारे पास बहुत अच्छे जो आप लोगों को ट्रेन कर रहे? जी जी। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो? मैम अभी तो कोरोना की वजह से बिल्कुल ही बंद है आजकल, तो मामला खराब है ना, वैसे रूटीन क्या है? वैसे जब चैंपियनशिप आना होता है उससे 2 मंथ्स पहले, और नहीं तो वैसे चलती रहती है आगे पीछे हल्की भी। फायदा क्या होता है साइकिलिंग से? साइकिलिंग से फायदा क्या होता है, स्पोर्ट्स का जिसको जुनून होता है ना, जो लव करता है अपने मॉर्निंग के उठने से, उसकी नेचर देखने से, और उसके टाइम पे उसको चलना है, उधर उधर देखना है, व्यू को एंजॉय करना है, उसके लिए ये काफ़ी है कि वो अपना मौसम एंजॉय कर रहा है, अपनी जो फील्ड है उसकी उसको एंजॉय कर रहा है, और उसकी फेवरेट चीज़ उसके पास है वो उसके साथ। आसिया, स्पोर्ट्स के बारे में कहा जाता है कि जब आप किसी भी स्पोर्ट्स में होते हो तो आप बहुत पॉजिटिव रहते हो, ऐसा होता है? बिल्कुल, आप परेशान कम रहते हो? क्योंकि हम सारा स्ट्रेस, एंजाइटी, हर चीज़ रिलीज कर देते हैं, फिर हम फ्रेश फील करते हैं, और हमें किसी भी किस्म की टेंशन नहीं होती है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं होती। बाईसाइकिल डे के हवाले से हम लड़कियों से बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो लड़कियां बातें कर रही हैं ये इवन के प्रोफेशनल साइकिलिस्ट हैं, लेकिन ये भी साइकिल को उस तरह से नहीं चलाते, यानी रोड्स पे निकलते हुए घबराती हैं। घर वालों की तो पूरी सपोर्ट होती है? पूरी सपोर्ट है, बिल्कुल। ठीक है, तो जो दीगर आपने अपने काम करने होते हैं तो फिर घर वालों पे डिपेंडेंट रहते हो कि अब्बा लेके जाए या भाई लेके जाए, या फिर कभी ऐसा? बिल्कुल, ऐसे ही करना पड़ता है। एग्जैक्टली, तो फादर या भाई से कहना पड़ता है कि हमें यहाँ पे ले जाएं, या कहीं पे भी जाना हो तो फिर हम लोगों को उनके साथ जाना पड़ता है। लेकिन आप लोग तो हमारी पूरी कौम की लड़कियों के लिए एग्जांपल बन सकते हो कि आपको तो रोड्स पे निकलना चाहिए, चाहे हमारी सोसाइटी के जो है जो भी मामलात हैं उनको इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाद ट्राई करेंगे। लॉकडाउन के बाद ट्राई हो सकती है, घर वालों की सपोर्ट रहेगी कि भाई तुम लोग जा सकते हो? जरूर इंशाल्लाह। एक होती है आपकी इमीडिएट फैमिली, उसकी तो सपोर्ट रहती है, लेकिन जो आपके आसपास मोहल्लेदार होते हैं, आपके खानदान वाले होते हैं, कहीं ना कहीं से वो भी परेशान कर रहे होते हैं। बिल्कुल, अम्मा अब्बा को भी परेशान कर रहे होते हैं कि ये बेटी जो है ये साइकिल चलाना क्या काम है, इस तरह का मामला तो नहीं हुआ कभी? नहीं नहीं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बल्कि वो अगर कोई भी इवेंट हो स्पेशली बताते हैं कि अगर आपका कोई भी इवेंट है तो जरूर बताना है, तो फैमिली की तरफ से कोई टेंशन नहीं है। ठीक, आपका साथ कोई ऐसा मामला है?
मेरी तरफ से किसी भी तरफ से कोई टेंशन नहीं है। इवन के मेरी फैमिली मेम्बर्स को जब पता चलता है मैं जा रही हूँ तो स्पेशली मुझे छोड़ने के लिए जाते हैं। पेरेंट्स क्या वो खाला वगैरह मतलब तो जिसके भी कोशिश होती है वो आते हैं साथ सपोर्ट करने के लिए, मुझे ड्रॉप करने के लिए उस लोकेशन पे। और समटाइम्स अगर कहीं जाना पड़े भाई ना हो या कोई ना हो तो फिर चले जाते हैं, वो मसला नहीं है। अच्छा आसिया मुझे ये बताइए कि आप लोग साइकिलिंग तो कर रहे हो, गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं? हम अच्छे लेवल तक जाना चाहते हैं। और अच्छा लेवल क्या है आपके नज़दीक? हमारा इंटरनेशनल लेवल। अच्छा इंटरनेशनल लेवल है। उधर कोई अचीव वो गोल बना रखा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाना है या एशिया चैंपियनशिप में जाना है, वहाँ से मेडल? फर्स्ट टाइम तो पहले पार्टिसिपेट करना है, उसके बाद स्ट्रगल करेंगे कि गोल्ड मेडल लेना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिया हिना प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। लेकिन इनकी जो ख्वाहिशात है सबसे बड़ी यही है कि कम से कम इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का मौका ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, उसके बाद अगली मेहनत का आगाज करेंगे। मुझे आपने इजाजत देनी है, इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में नेक हवालों में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।